तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात की थी और हम ले रहे थे केस फर्स्ट, और वो केस फर्स्ट हमारा क्या था पोटेंशियल बैरियर वाले में कि वेल ई पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल जो बैरियर है बैरियर की हाइट से कम है, तब उस केस में क्या पार्टिकल टनल करके दूसरी तरफ पार्टिकल आ जाएगा क्या, ये हमको चेक करना है। और इसको हम कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसको कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। लाइक हमारे पास एक पहाड़ है, ठीक है, अब पहाड़ की हमको दूसरी साइड जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहाड़ के अंदर से एक टनल बना लेते हैं और उस टनल से हम इस पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ये बैरियर जो आ रहा है, ये बैरियर पार्टिकल को टनल करके दूसरी तरफ पार्टिकल आएगा या नहीं आएगा, हमको ये चेक करना है। और जो हम पिछली बार से जो कर रहे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछली बार हमने क्या किया कि हमने पोटेंशियल बैरियर हमारे पास है, ध्यान रखना ये एक स्पेशल केस की ही हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारा पोटेंशियल बैरियर कॉन्स्टेंट वेट का है, पोटेंशियल बैरियर ए वेट का है और कॉन्स्टेंट हाइट है। इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट फिक्स है, पूरा पूरा वी नॉट पोटेंशियल है और कॉन्स्टेंट वेट है, वेट भी फिक्स है, हाइट भी फिक्स है, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है। अब इस पोटेंशियल बैरियर के लिए हमने पिछली बार तीन रीजन बना लिए थे। रीजन फर्स्ट वो कहाँ पे था, एक्सिस ग्रेटर देन जीरो, दूसरा रीजन जीरो इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन के, और तीसरा रीजन था एक्स इज ग्रेटर देन के, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमने तीन रीजन बना लिए थे। और फिर बाद में हमने तीनों रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन भी डिफाइन कर दी थी, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी वो हमने डिफाइन कर दी थी। इक्वेशन डिफाइन करने के बाद हमने थोड़ी देर इक्वेशन को सॉल्व भी कर लिया था और उसके सॉल्यूशन से हमको क्या मालूम चला कि जो ये इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है, देखिए मैंने आप पहले से ही बताया था हमारा यहाँ पे जो पार्टिकल है वो ड्यूल नेचर रखता है। ड्यूल नेचर कैसे, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है साथ में वो वेव नेचर भी रखता है। और जब वो वेव नेचर रखता है तो वेव की प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं, वेव अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो उस सरफेस से उस वेव का रिफ्लेक्शन भी होगा। हमारे पास में वेव इंसिडेंट वेव भी आ रही है और रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रही है, कहां पर, इस रीजन के अंदर। रीजन कौन सा, फर्स्ट रीजन, जहां पर पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर की हाइट से कम है। और यहां पर हमें क्या मिल गया, जो हमने पिछली बार किया था, मुझे मिल गई इंसिडेंट वेव, क्या जो पिछली बार किया था मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ए इंटू दी पावर आल्फा अल्फा एक्स, ये हो गई मेरी इंसिडेंट वेव। और दूसरी यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव आई थी वो रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी हो गई थी, इस तरह से जो यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है वो था बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स रिफ्लेक्टेड वेव। ये दोनों वेव कोई अलग नहीं है, ये जो पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसी के ही दो पार्ट है, यानी कि जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव जो उसके स्टेशनरी वेव जो उसके साथ अटैच है, जो माइक्रोवेव अटैच है, ये उसी के कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट कंपोनेंट और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। इसी तरह से जो पार्टिकल की यहाँ पर भी हमने यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वेव मिली थी और वो मिली थी हमें ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव ही हमारे पास में यहाँ पर आई, क्या था ये f e to the power r का अल्फा x। इसके साथ में यहाँ पर चूंकि आगे कोई हमारे पास में बाउंड्री नहीं है जहां से वापस लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके, वेव रिफ्लेक्ट कर सके, तो रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। और ये जो बीच वाला बैरियर वाला रीजन था, इस बैरियर वाले रीजन में हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल बैरियर वाले रीजन में यहाँ पर हमारे पास में वेव नहीं है, ध्यान रखिएगा इस रीजन में हमारे पास में वेव नहीं है, यहाँ पर डीके फंक्शन है, एक डीके हो रहा है, एनर्जी में फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैरियर आ गया, एक रुकावट आ गई, अवरोध आ गया, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा डीके हो रहा है। और ये डीके की इक्वेशन थी, क्या थी डीके की इक्वेशन, वो थी डी ई टू दी पावर माइनस बीटा एक्स, ये डीके हमने शो किया था। Then, डीके का भी हमने अगेन वापस इसका एक उल्टा डीके भी हमने शो किया था, जिसको मैं कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, और वो मैंने इसको समझने के लिए ढंग से डायग्राम भी बनाया था, वो इस डायरेक्शन में
नहीं नेगेटिव एज डायरेक्शन के अंदर जो डीके था उस डीके को हमने शो किया था और वो था हमारा सी ई टू दी पावर बीटा एक्स, माइनस माइनस हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया बीटा एक्स, ये यहाँ तक का हमने कर लिया था। अब आज का सवाल अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि क्या ये पार्टिकल यहाँ आ सकता है। हमको ये अब हमारा पूरा काम यहाँ तक तो पोटेंशियल वेरिएंस की बात हो गई, आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्वांटम, इसी का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कोई अलग का वो टॉपिक नहीं है, ये अलग टॉपिक नहीं है, इसी का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक नया नाम दे रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग या सिंपल लैंग्वेज में टनलिंग या क्वांटम टनलिंग कुछ भी कह दीजिए। क्या मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल आ रहा था क्या ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर इधर आ सकता है क्या? दैट मींस हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। क्या पार्टिकल इधर आ सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। नाउ ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी, अगर मेरे पास में ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी को मैं टी से लिख लेता हूं, और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइड बाय रेशियो ऑफ इंसिडेंट वेव। सो इट इज अ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड वेव ट्रांसमिटेड वेव डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी हम निकालते भी किससे हैं कि भैया कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, हमको निकाला गया जा कितना रहा है, तो पहले ही तो मालूम पड़े कितना आ रहा है और कितना उसमें से जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन इन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन किसके बराबर हो जाएगी, या इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कह सकते हो, और इसका दूसरा नाम है ट्रांसमिशन कोफिशियंट, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, ट्रांसमिशन कोफिशियंट किसके बराबर होता है, ट्रांसमिशन कोफिशियंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव की प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिटेड वेव कौन सी है, ट्रांसमिटेड वेव जो है वो है ये, और इंसिडेंट वेव कौन सी है, इंसिडेंट वेव है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो याद करो मैंने आपको करवाया भी था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बेसिकली मैंने पूरा वर्ड लिखा नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्ड आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और वो हमने कैसे निकालते हैं, शाई स्टार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो ये वेव है इसका मुझे क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे शाई स्टार, तो ये मेरा वेव फंक्शन शाई सॉरी एफ ई टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, इसके स्टार से, एफ ई टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स स्टार, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका ले लिया, शाई स्टार डिवाइड बाय इंसिडेंट पार्ट कौन सा है, ए ए ई टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स स्टार। सो क्या हुआ, ए टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स, जब यहाँ पे स्टार हटाएंगे, स्टार को अंदर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी एफ को मल्टीप्लाई करूंगा एफ स्टार से, एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ स्टार मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स, जो पहले वाला, और दूसरी वाले में क्या आएगा, आयटा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि आयटा की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई आयटा की पावर, आयटा की जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस आयटा से, तो ई टू दी प्लस आयटा और ई टू दी पावर माइनस आयटा, कैसे ई टू दी पावर जीरो और ई टू दी पावर जीरो में वन, तो ये वैल्यू तो मेरी हट गई यहाँ से, तो मुझे क्या मिला, एफ एफ स्टार डिवाइड बाई एफ 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 स्टार डिवाइड बाई ए ए स्टार,
ठीक है। तो एफ एफ स्टार क्या हो गया, मॉड एफ डिवाइड बाई मॉड ए, शायद स्क्वायर लिखते हैं, ये मेरे पास में ट्रांसमिशन कोफिशियंट हो गया। तो बेसिकली अब मुझे f by a की वैल्यू यहां से निकालनी है, f by a की वैल्यू निकालनी। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये वैल्यू जो भी होगी हम अभी कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है, यू विल कैलकुलेट इट, बट अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, इफ इट इज इक्वल टू जीरो, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है विच मीन्स पार्टिकल नेवर कम इन रीजन थ्री, ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन नेवर अकर, ट्रांसमिशन नेवर हैपन, कभी नहीं होगा। कब, जब इस ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू e की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, और अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो, मैं तो कह रहा हूं बहुत छोटी सी वैल्यू है 0.00001, ये भी वैल्यू है, कोई इश्यू नहीं है, तो सही, आज नहीं आ रहा है, दो दिन बाद नहीं आ रहा है, दो साल बाद नहीं आ रहा, दस साल बाद नहीं आ रहा, सौ तो साल बाद कभी ना कभी तो पार्टिकल आएगा, देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, कुछ है प्रोबेबिलिटी पार्टिकल कभी ना कभी उधर आएगा, और ये क्या कह रहा है इज इक्वल टू जीरो मीन्स कभी नहीं आएगा, चाहे आज हो चाहे 200 करोड़ साल बाद में हो चाहे हजारों लाखों साल बाद हो, कभी भी पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं करेगा, और ये क्या कह रहा है इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स पार्टिकल कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस ऑफ ट्रांसमिशन, हो सकता है आज नहीं आ रहा हो कल नहीं आ रहा हो, लेकिन एक दिन जरूर पार्टिकल दूसरी साइड में ट्रांसमिट कर सकेगा, इसमें टनलिंग होगी, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमको एफ बाई ए की वैल्यू निकालनी, सिमिलरली एक और मैं कर लेता हूं, इससे मेरा बोर्ड भी फुल हो जाएगा, फिर आप भी लिख लेना, ये मैंने निकाला ट्रांसमिशन के लिए, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड जो है वो भी मैं निकाल सकता हूं, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को डिनोट करते हैं आर से, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट कितना हो जाएगा कि कितना हमारा लाइट कितनी जो वेव है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने इसको निकाला तो रिफ्लेक्शन का क्या है बी, तो ये हो जाएगा बी बी स्टार अपॉन इंसिडेंट कितना हो रहा है ए ए स्टार, और आई कैन राइट इट b by a mod square, ये हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, ये ट्रांसमिशन कोफिशियंट, हमारा पर्पज यहाँ पर ये निकालने का नहीं है, हम निकालेंगे अच्छा, और दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एक और कर लेते, चलिए तो t प्लस आर रिफ्लेक्शन प्लस सॉरी रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इज इक्वल टू वन, ये वैल्यू वन के बराबर होगी, जितना आ रहा है का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां बीच में जो बैरियर है इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अदरवाइज यहां पे मुझे एक एब्जॉर्प्शन का और लेना होता, a प्लस c प्लस r करना पड़ता, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हुई हमारी टोटल चीज, अब हमारा काम ये रहेगा कि हमको f by a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो अभी हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे, लिख लीजिए इसको, आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे बता दो, और ये वीडियो क्लियर है तब भी मुझे बता दो, नहीं क्लियर है तो भी मुझे बता दो, इसका हिलने का जो हो रहा है ना ये बार बार हिलता है, तो मैं इसको आज इसका बंद हिलना बंद,
लिखने के बाद में उसमें लिख देना डन, अगर आपने पूरा लिख लिया हो तो चैट में डन लिख देना कि आपकी आवाज कभी मेरे पास में आएगी नहीं। कि बस ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो और आसान काम है। वीडियो इज क्लियर प्लस साउंड इज नॉट सो मच गुड। साउंड सही नहीं आ रहा है तो या तो एक बार मैं इसको साउंड को ऑफ करके ऑन करता हूं। हेलो आई हैव रिटन ओके आवाज अब yes, सर मैंने उसको बंद करके चालू किया है। यस सर आप ठीक है आप बोलोगे तो यस सर आप ठीक है भाई जस्ट एक इको होने लग जाता है इसलिए। आवाज आ रही है यस ओके ये कनेक्ट किससे हुआ है गुड साउंड ठीक है अब नहीं नहीं साउंड अब आ कहाँ से रही है पहले ये भी तो मुझे देखने दो हेडफोन से आ रही है ठीक है नाउ नेक्स्ट हाँ आ जाइए अरे आइए बैठिए सर। तो अब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ और बच्चों को लाइव ये जाता है फिर यूट्यूब पे। नित्यानंद अभी हमारे यहाँ पे कमेटी के मेंबर्स आए हैं प्रोफेसर सीपी शर्मा जी वो अभी आपको वो दिखेगा नहीं yes, तो ठीक है आप डॉक्टर सीपी शर्मा सर हैं बच्चे को देखना है ये मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ शर्मा जी आप पाऊंगा ये कैमरा ये मेरा कैमरा तो जो मैं आप बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना वो चल रहा है मेरा और सारे सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे ऑनलाइन रहते हैं। इस लेक्चर को कंप्लीट होते ही मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो बच्चे को बोर्ड पूरा लिखता हूँ तो पढ़ा देता हूँ। नित्यानंद एक दो मिनट रुको करवाता हूँ yes, कंटिन्यू करता हूँ ना ऐसा थोड़ी है मेरा ब्लॉग यूएस मिर्जा ये मेरा ब्लॉग है ठीक है इस पे डेटा मैं बता रहा हूँ आप सारी पीपीटीज है बच्चा यहाँ से देख सकता है डाउनलोड कर सकता है और मुझे भी मालूम पड़ता रहता है कि कितने बच्चों ने देखा है कहाँ कहाँ से देखा है। ये तो मेरा ब्लॉग ये वो भी तो है ये मेरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेमेस्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब्जेक्ट जो है उसका मटेरियल है और हाँ अब है ना वो खुला है अभी नेट स्लो हो गया होगा। अब ये क्या है ये पूरा पीपीटी आ गया ये पूरा पीपीटी आ गया हाँ वो ऊपर नीचे है ना यूनिट तो ये पूरा यूनिट। अब इस यूनिट को पीपीटी मैंने ये बच्चों को दे रखी है इस यूनिट को मैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो आती है ना अब ये डायग्राम को है तो मैंने बोर्ड पे बना के समझा दिया उसके बाद में भी जो बना है इसका पीपीटी सॉरी जो वीडियो बना है अब ये इक्वेशन कहाँ का आई वो मैं सारा ड्रा करता है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको मैंने ये रहा मेरा चैनल। अच्छा मैं ये एक चीज बता रहा था आज कितने बच्चों ने देखा वो मैं बताता हूँ देखा या नहीं देखा वो भी मुझे मालूम चल जाता है। ये योर चैनल ये मेरा चैनल YouTube चैनल
ये जो जो मैंने क्लास अभी तक पढ़ाई है सारी क्लास इससे है, ये आज सुबह मैंने जो पढ़ाई थी ये उसकी क्लास, ये पूरा पूरा एक क्लास 50 मिनट की, यहाँ पे दो क्लास बच्चे यूट्यूब में देख लेते हैं, ऑनलाइन तो देख ही रहे। उसके बाद में जैसे मान लो कोई नया बच्चा जुड़ा है तो बाद में नया बच्चा आ रहा है, जैसा भी मैं बता देता हूँ, ये आज सुबह से 30 बच्चे मेरी ऑनलाइन इसको पीपीटी को देख चुके हैं, कल 20 बच्चे देखे थे, इस महीने में 421 बच्चे देख चुके हैं, पिछले महीने 505 बच्चे देखे थे और टोटल अब तक 7,000 बच्चों ने देख चुका है। कब से कब तक का है? 7,000 तो बस ये तो मेरा तो पुराना चल रहा है ना, क्योंकि मुझे मालूम है आप ये मेरा पीपीटी का ना 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 सरकार सर के नाम से मेरी जो वीडियो है, ये जो मैंने जो पढ़ाया था ना उसको कब कब बच्चों ने देखा है, 35 वीडियो अभी तक देख चुके हैं, तो वो सब कुछ इससे आ जाता है। और ये आज वाले जो चैनल वीडियोस बनाए अपलोड किए थे, और जैसे अभी मेरे पास बच्ची का मैसेज आया था तो मैंने बच्ची को मैसेज में वापस डाल दिया था। अब देखो मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम हाँ टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, हाँ ये रोक ये आ सकते Thank you.